नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसे बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 23 फंदे डाल लिए हैं। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें बॉर्डर की आवश्यकता नहीं है, इसे हम सीधे बना के गर्ल्स के कार्डिगन में, फ्रॉक में, स्वेटर में, टॉप में डाल सकते हैं। तो पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बनाएंगे, दूसरी लाइन में पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और सभी फंदे सीधे ही बुन लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। तीसरी लाइन में पहला फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे हम सीधा बना लेंगे। और चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो हमने प्राइमरी कलर से 4 लाइन बुना, पहली लाइन में सभी फंदे सीधे, दूसरी लाइन में भी फंदे सीधे, तीसरी लाइन में उल्टे और चौथी लाइन में उल्टे। तो इस तरह हमने प्राइमरी कलर से 4 लाइन कंप्लीट कर लिया। पांचवी लाइन में हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे और फिर नेक्स्ट दो फंदों में हम जाली देते हुए बुनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बुना, फिर उन अपनी ओर किया और अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बुना। तो हमारे ये 3 फंदों में 5 फंदे हो गए और अगले 6 फंदे हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 फंदों को हमने सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुन लिया। अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट 4 फंदों को हम जाली देते हुए सीधा बुनेंगे, उन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा बुना, 1, उन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा बुना, 2, उन अपनी ओर किया, जाली देते हुए सीधा बुना, 3, उन अपनी ओर किया और जाली देते हुए सीधा बुना, 4। तो 5 फंदे में हमारे 9 फंदे हो गए। तो इन 5 फंदों को हम छोड़ देंगे और इन्हीं 11 फंदों को हम रिपीट करते जाएंगे, पूरी लाइन में दोहराते चले जाएंगे। 6 फंदे को सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए सीधा बुनेंगे और 5 फंदों में, अगले 5 फंदों में पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और नेक्स्ट 4 फंदों को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे और लास्ट में 3 फंदे आएंगे, तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और लास्ट 2 फंदों को जाली देते हुए सीधा। यानी हमने 3 फंदे से 5 फंदा कर लिया, जैसे हमारा यहाँ पे 3 फंदों से 5 फंदे स्टार्टिंग में हमने किया था। और रॉन्ग साइड से 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे और 6 लपेटे हुए फंदों को खोल लेंगे और शेष और इन 9 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। नौ फंदों को उल्टा बुनने के बाद फिर अगले 6 फंदे लपेटे हुए आ जाएंगे, इन्हें हम खोल देंगे और इन्हें हम स्लिप कर लेंगे और लास्ट में 5 फंदे आएंगे जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो लपेटे हुए फंदों को हम खोलते जाएंगे और शेष फंदों को उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अगला लाइन हम सेकेंडरी कलर से ही बुनेंगे और 5 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, अगला 4 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। तो हमने 5 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये लपेटे हुए 6 फंदे हैं, तो इन्हें हम पहले बैक लूप से सीधा बुनेंगे और फिर फ्रंट लूप से सीधा बुन लेंगे। 6 फंदों को एक साथ लेंगे और फ्रंट लूप से सीधा बुन लेंगे। तो हमने इन 6 फंदों से 2 फंदे बना लिए। फिर अगले 9 फंदे हैं, उन्हें हम
सीधा बुन लेंगे। तो जाली देके यहाँ पे हमने चार फंदे बढ़ाए थे और छह फंदों से दो फंदे हो गए, यानी कि यहाँ पे चार फंदे घट गए, यानी जितने फंदे थे हमारे उतने फंदे वापस आ गए। अब फिर इन छह फंदों को हम एक बार लेंगे, छह फंदों से एक बार हम बैक लूप से सीधा फंदा बनाएंगे और दूसरी बार फ्रंट लूप से सीधा फंदा बनाएंगे। तो हमने छह फंदों से दो फंदे कर लिए, चार फंदे यहाँ पे घट गए और यहाँ पांच से नौ फंदे हुए थे तो फंदे बैलेंस हो गए। लास्ट में शुरू की तरह लास्ट में पांच फंदे हैं, उन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो एक कलर से हमने चार लाइन बुना और अगला चार लाइन हमने दूसरे कलर से बुना, तो आठ लाइन का ये डिज़ाइन है और इन्हीं आठों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराते जाना है। अब इन्हीं आठों लाइनों को हम वापस ऊपर दोहराएंगे तो ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।